यह है इन 29 का हल्का PK72 गढ़ी सिकंदर खान, जहां पीने का पानी तो दस्तियाब है लेकिन जहरीला, जो शिफा देने की बजाय वह वापस ला रहा है। उमरगुल रोड से मुतसिल इस इलाके में पीने के पानी की पाइप नालों और जोहड़ों के अंदर से गुजरे हैं। लीकेज के बाद गंदी नालियों के पानी की आमेजी से ये पीने का पानी न सिर्फ बदबूदार बल्कि जहरीला भी बन गया है। मुतबादल इंतजाम न होने के बाद शहरी यही पानी पीने पर मजबूर है, जिससे वो पीठ के अमराज समेत दीगर मुहलिक बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। पानी का बहुत मसला है, बिजली का भी मसला है, सिर्फ बाथरूम बड़ा इनाम है और दो कमरे है, उसमें प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सूरत हाल है कि वो उधर पानी भी नहीं आता और बिजली भी नहीं है। नाला दगा से ठोल डक दी, पानी के पाइप नालियों में गुजर रही है और गंदा पानी पाइपों में आ रहा है। उस गंदगी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलती है और पूरे इलाके में बदबू भी फैला हुआ है। आगम डेर गड़ गड़ डेरानू न प्रातिजे पजे दागे नम स्मेल राजी। इस इलाके को पानी की फराहमी ट्यूबवेल से की जाती है, जिसकी चार दीवारी भी नहीं, और बारिश की सूरत में गंदा पानी ट्यूबवेल में दाखिल हो जाता है। इतना ज़्यादा मसला बनता है कि सारे नाले के पानी ट्यूबवेल के अंदर भी दाखिल होता है, पेपों में चले जाते हैं। उसके अलावा बहुत से मसले इतना ज़्यादा काफ़ी है कि हम संभाल नहीं सकते। हमारी इसने कोई सिस्टम पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, हमारी ज़रूरत पर तवज्जो नहीं दी, तो हम कोशिश करेंगे उस बंदे को वोट दे देंगे जो हमारी ज़रूरतों को, जो हमारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम पर तवज्जो दे दे। पानी के साथ यहाँ सड़कों की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्ता बे है, जिन पर कंडरात का गुमा होता है। इस हल्के से माजी में NP के आलमगीर खलील और PTI की फजलिल्लाही ने कामयाबी हासिल की, तहम कोई भी जुमात इनकी ये बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रही। कैमरामैन नासर नईम के साथ नुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।